नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो पर बात करने वाले BARC बाबा अटौंगी रिसर्च सेंटर की तरफ से जो करंट में 4374 वैकेंसी चल रही है, यानी कि BARC में स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 से जिन बच्चों को इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जिनको तैयारी करनी है, आज के इस वीडियो में आज अपन उन बच्चों के लिए बैच लॉन्च करने वाले, यानी कि IT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जिन बच्चों को BARC की तैयारी करनी है उन बच्चों के लिए बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। बैच का नाम एक्सीलेट बैच। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, इस बैच के अंदर अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले, इसकी क्या क्या विशेषता रहने वाली, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाली है। BARC की बहुत शानदार वैकेंसी है। BARC की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इतनी बड़ी वैकेंसी कभी भी नहीं आई है और बहुत सारे बच्चे एज लिमिट की वजह से बाहर हो गए। जो बच्चे इलिजिबल है, जिनकी एज है अप्लाई करने के लिए, उन बच्चों के लिए बड़ा अवसर है, क्योंकि एज लिमिट कम रखने की वजह से इस बार कॉम्पिटिशन काफी कम रहने वाला है। तो किसी भी कीमत पे इस अवसर को आपके हाथ से जाना नहीं देना है, इस अवसर को गंवाना नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के बारे में अलग से वीडियो देकर बता चुका हूं और कैटेगरी 1 के बारे में भी अलग से वीडियो देकर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों 3 स्टेज के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि स्टेज 1 जो होने वाला है, स्टेज 2 जो होने वाला है, यानी कि ये जो दो स्टेज है ना, ये आपके एक साथ होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इसकी तैयारी पहले करोगे, इसकी तैयारी बाद में करोगे, दोनों का पेपर एक ही दिन में होने वाला है। स्टेज 3 ये आपका स्किल टेस्ट है, इसका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके लगभग महीने भर बाद में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, आपका मतलब क्या कि स्टेज 3 के अंदर। तो देखिए स्टेज 1 जो रहेगा इसके अंदर आपको नॉन टेक के पर्सन पूछे जाएंगे। किसके पर्सन पूछे जाएंगे? नॉन टेक के पर्सन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मैथ के 20% पूछे जाएंगे, साइंस के 20% पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10% पूछे जाएंगे, टोटल 50% पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। उसके बाद में जो बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी से 40% स्टेज 1 के अंदर लेके आ जाता है, अदर किसी भी कैटेगरी से आप आते हो 30% ही लेके आ जाते हो। 40% का मतलब यह है कि 50 में से 20 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए और अदर कैटेगरी ने 30% अगर सही कर दिए तो आपको डायरेक्ट स्टेज 2 के अंदर लेके आ जाएगा, यानी कि यहां पे आपका जो कंपटीशन है वो दूसरे बच्चों के साथ में नहीं होने वाला है। स्क्रीनिंग के लिए मिनिमम आपको इतना लेके आना है, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इसके बारे में भी जो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया उसके अंदर कंप्लीट चीजें मैंने आपको बताई है। अब आपका जो मेन फोकस है ना दोस्तों स्टेज 2 पे होने वाला है, आप ये तो चीज है ना, ये क्वालिफाई नेचर की है और स्टेज 3 है ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, जो मेरिट आपकी बनने वाली है, नंबरों वाली ये बनेगी स्टेज 2 में से। स्टेज 2 में आपको क्या क्या पूछा जाएगा? थ्योरी की आपको 50% पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि 150 नंबर की थ्योरी आपकी आने वाली है। आपकी ट्रेड से संबंधित टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए IT इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के टोटल 50% आएंगे। इन 50% में से आप कितना सही कर पाते हो, कितनी अच्छे से आप तैयारी करते हो, यही निर्धारित करेगा भी आपका भविष्य BARC में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो अपना बैच है दोस्तों एक्सीलेट बैच, इसके अंदर पर जिसकी तैयारी करेंगे वो रहेगा स्टेज 2, यानी कि स्टेज 1 है, नॉन टेक्निकल की तैयारी नहीं करेंगे, ये आपको अपने स्तर पे ही करनी होगी। जो चीज मैं आपको अच्छे से करवा सकता हूं उसी चीज की मैं आपको तैयारी करने वाला हूं, करवाने वाला है। स्टेज 2 है जिसमें आपको टेक्निकल के 50% पूछे जाएंगे, एक्सीलेट बैच रहेगा उसके अंदर अपन टेक्निकल कंप्लीट कवर करने वाले हैं। यहां पर कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? यहां पर आपको थ्योरी की क्लासेस मिलेगी, ऑब्जेक्टिव पर्सन मिलने वाले हैं, PDF वगैरह मिलने वाले हैं। इसके जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि हम अलग से लॉन्च करेंगे एग्जाम से थोड़ा दिन पहले, तो वो टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। वैसे IT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज है उस पर काम चल रहा है ऑलरेडी, तो 5-7 दिनों के अंदर टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। तो ये जो एक्सीलेंट बेस रहेगा इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन भी मिलेंगे, वीडियो की क्लासेज भी मिलेगी, प्लस आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में इसके अंदर मिलने वाली है। अब ध्यान रखना इसके अंदर जो टोटल बच्चे होंगे ना, मात्र 50 बच्चों का इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर इतने ही बच्चे लेने वाला हूं जिनको मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं और हर एक डाउट उन बच्चों का क्लियर कर सकूं। जो भी बच्चा इस कोर्स को बाय करेगा ना, इसको बैच को बाय करेगा, तो एप्लीकेशन में चैट वाला जो सेक्शन होगा वहां पे इन सब बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा, तो जिस भी बच्चे को जो भी डाउट होगा वहां पे बताएगा, उन सब चीजों पे अलग से वीडियो दे दे करके मैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, यानी कि जो टेक्निकल है A to Z अच्छे तरीके से तैयारी करने वाला हूं। मैं चाहता हूं ये जो 50 बच्चे, कम से कम इनमें से 40 बच्चे हैं उनको बी ए आर
आरसी में नौकरी मिले। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, कंप्लीट टेक्निकल पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में ये जो क्लासेज है ये लाइव रहेगी या नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगा या किस प्रकार का बैच रहेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारे नेट नहीं रहता, रिकॉर्डेड क्लासेज दे दीजिए। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा टाइम क्या रहेगा, टाइम का हमारे लिए इश्यू रहता है। तो उन सब बच्चों को मैं बता दूंगी, ये जो बैच है ना, मान के चलिए लगभग 70% जो क्लासेज है ना, ये आपकी रिकॉर्डेड रहने वाली, यानी कि हर दिन आपको वहां पर रिकॉर्ड करके वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि लाइव क्लासेज में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि लाइव क्लासेज के अंदर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और रिवीजन के टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जब लाइव क्लासेज को बच्चा दोबारा रिवीजन करता है। बच्चा देखता है कंटेंट सर कर पढ़ाएंगे, सर की बातचीत चलती है बच्चों के साथ में, बच्चों की बातचीत चलती है सर के साथ में। यानी कि रिकॉर्डेड के अंदर जो एक घंटे का आपको कंटेंट मिलता है जितना पढ़ाया जाता है, लाइव क्लासेज में दो घंटे का टाइम उसके अंदर वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 70% जो क्लासेज है ना, ये आपको मैं रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके बाद में 30% जो क्लासेज है वो मैं आपको लाइव के माध्यम से समझाऊंगा, यानी कि जो आपको डाउट्स होने वाले हैं, जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है मुझे, या फिर आपको कोई गाइड करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं लाइव लेके आऊँगा। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से अपना बेस रहने वाला। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि वैसे कल मोबाइल एप्लीकेशन पर मैं इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ और कई सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट है ना, ये 50 रहने वाले, यानी कि स्टार्टिंग में जो 20 बच्चे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उन बच्चों को ₹500 का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलने वाला है। 50 टोटल बच्चे होंगे, उनमें से 20 बच्चे जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको फीस के अंदर ₹500 की सीधी सीधी छूट मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल पर मैं कल ही डाल चुका हूँ, इसलिए ऑलरेडी कई बच्चे तो रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन आपके पास में अब भी अवसर है। ये जो आपको ₹500 इसका डिस्काउंट कैसे मिलेगा, यानी कि जब भी आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैच की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना। वहां पे जब आओगे तो वहां पे आप जब कोर्स बाय करोगे तो वहां पे आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, BARC, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, BARC स्पेस नहीं देना है, BARC 500। ये जैसे आप अप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग में अगर आप 20 बच्चों के अंदर हो तो सीधा सीधा ₹500 उस प्राइस में से कम हो जाएगा, और आपको इस हिसाब से ₹500 का बेनिफिट भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी हुई है, यानी कि जो इसकी प्राइस जो मैंने रखी है ₹1500 रखी है। स्टार्टिंग के जो 20 बच्चे हैं उनको ये जो कोर्स है वो ₹1000 में मिल जाएगा। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंगों से, बड़ी बड़ी स्टोर से आपने पढ़ाई की होगी, लेकिन एक बार मुझे अवसर देके जरूर देखना। जितना आपका टेक्निकल है बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करने वाला हूं, अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जितनी मेहनत मैं इसके अंदर करवाने वाला हूं उतनी मेहनत अगर आपने कर ली तो BARC जो आपकी सपनों की नौकरी है उसमें एक दिन आप ज्वाइन करोगे, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो यह सब चीज है। बाकी आपको कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ये जो बैच ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होने इसके अंदर स्टार्ट हो गए, यानी कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाकर के पेमेंट करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो बैच है इसकी जो क्लासेज है वो कब स्टार्ट होने वाली है, 22 मई से इसकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आज 16 मई है, तो आपके पास में 6 दिन का टाइम है। 6 दिन के अंदर अंदर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम 50 बच्चे इसको ज्वाइन करने वाले हैं, जैसे ही स्टार्टिंग के 20 बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद में कूपन कोड ये काम करना बंद कर देगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद में कई बच्चे नए होंगे कि सर हमारे को डेमो वीडियो प्रोवाइड करिए, तो एक दो डेमो वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीजें मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूं और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। जो भी आपको डाउट होता है उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। कंटेंट टेक्निकल का नंबर 1 मैं आपको करवाने वाला हूं, और सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से मैं आपको बोर्ड पे लिखवा के 0 से लेकर के एडवांस तक की चीजें करवाऊंगा, और आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन भी प्रोवाइड करूंगा, ऑब्जेक्टिव पर्सनों के आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड करने वाला हूं। और इसी कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल फ्री में इनकी जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, इस पर कॉल करके भी आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।